क्वार्टर फाइनल था, उसके बाद एक दो दिन मैं गेम खेल रहा था लेकिन मुझे याद ही नहीं आया कि मैं तो फाइनल तक पहुंच गया। तो मैंने अभी अभी व्लॉग बनाना शुरू किया है और चलो देखते हैं कौन कैसे जीता है। मतलब नीदरलैंड और वॉल्स का हुआ है 3-1, अर्जेंटीना डेनमार्क 5-1, जर्मनी क्रोएशिया 5-0, वाओ, ब्राज़ील और उरुग्वे 3-1। ये फर्स्ट वाली टीम तो बड़ी अच्छी है अर्जेंटीना वाली। फिर एक इंग्लैंड कतर हुआ था, इंग्लैंड एक गोल से जीत गया। फ्रांस मेरी टीम और पोलैंड, फ्रांस 2 गोल से जीत गया। बेल्जियम और स्पेन हुए थे, बेल्जियम ने बड़े अच्छे स्कोर कमाए। फिर पुर्तगाल और सेरबियन का हुआ था 2, रोनाल्डो ने शायद दोनों गोल मारे होंगे। फिर बेल्जियम, फिर सेमीफाइनल्स आ गए। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना वाली टीम और मैं तो उन्हें बताना ही भूल गया क्या बोलते हैं, हाँ क्वार्टर फाइनल्स बताना ही भूल गया अर्जेंटीना वाली साइड की। और नीदरलैंड अर्जेंटीना 1 गोल से अर्जेंटीना जीती है, ब्राज़ील 4-2 से जर्मनी से जीती। अर्जेंटीना और ब्राज़ील हुआ था सेमीफाइनल में, 2-1 से जीती है अर्जेंटीना। और मेरा भी हुआ, मैंने 3-1 से जीता है। अब मैं फाइनल में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चले देखते हैं। और ये गेम हुआ स्टार्ट। वैसे आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो तो इस वीडियो में आपको 3 सेकंड्स के अंदर सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब करना है, फिर एक साथ दोनों को। अगर आप नहीं कर पाए तो मेरे ये चैलेंज आप हार जाएंगे। 1, 2, 3 ओके, गेम स्टार्ट हो रहा है। उनके पास बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, एंजेल डी मारिया, मेसी, उनके पास बड़ा अच्छा गोलकीपर भी है, लेकिन मैं अपने गोलकीपर से गोल्स करवाता हूँ सबसे ज़्यादा, तो अच्छी बात। और ये बेंजेमा, 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 सेफ, ओ गोल हो गया। चौथे मिनट पर, नहीं सॉरी 6th मिनट पर, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। तो आप राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर, ऐसे हुए मैं लेफ्ट और राइट का फिक्र नहीं करता, मैं तो बस ऐसा नहीं फिक्र करता कि हाँ कॉर्नर हुआ या नहीं। एक दो बार ग्लिच भी बड़ा करता है तो नहीं। तुम कर क्या रहे हो? ओ माय गॉड, उसकी आंख पर लगा यार, पेनल्टी नहीं मिली हमें, अजीब है। ओके, ये बॉल मेसी के पास गई और यहाँ से ग्रीज़मैन के पास जिसने पहले एक गोल किया, नया नवेला, गोल। एम्बापे जिसने असली वर्ल्ड कप में तो 4 गोल्स करके जिताया था अपनी टीम को, तो देखते हैं क्या हम भी आज 4 गोल्स एम्बापे से कर सकते हैं, मतलब टोटल हुए 5 गोल। चलो देखते हैं, एक गोल एम्बापे का हुआ है, सिर्फ उसी से ही करवाना है और कोई नहीं। चल क्या रहा है, टकल टकल, वाओ इतना अच्छा खेल रहा है, सिद्धी मारिया मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या कर रहा हूँ, हाँ, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चैलेंज दिया था अगर आपने वो कंप्लीट किया है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। एक ग्लिच क्यों हुआ, उन कॉर्नर मिले, यहाँ कॉर्नर मिले हमें, ये रहा। एक और बार करते हैं, अगर लेफ्ट कॉर्नर मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है। क्लोज, हमारा डिफेंडर सामने आ गया, लेकिन हमें एम्बापे से गोल करवाने हैं सारे गोल, सिर्फ एम्बापे, सिर्फ एम्बापे। यार एम्बापे, उसके चक्कर में हमने ऑफ साइड खड़ा हो गया। अच्छा वो मेरा अभी भी एक दो डिफेंडर तो सही वही थे, मतलब सारे थे लेकिन हाँ थे। और एक और गोल, 3 गोल, 2 गोल एम्बापे के और एक ग्रीज़मैन का।
55 minutes. गेम खत्म, गेम खत्म, मैं कह रहा था ना, हाँ मतलब हाफ टाइम है, लेकिन देखते हैं दो गोल और करने हैं बस, उसके बाद सबसे बेस्ट टारगेट दे दूंगा मैं। मतलब एक यूट्यूबर है उसने तो 30 गोल मारे थे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने एक 10 भी मारूँ, मैं 10 में मार दूँ, मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। एक और गोल, बस एक गोल और बनाना है, फिर एम्बापे ने इसे मतलब हरा ही दिया आप कह सकते हो, क्योंकि इतने गोल कौन कर सकते हैं यार। वापस ग्लिच, एक तो मुझे इसका ग्लिच बड़ा बेकार लगता है, मतलब ओ ओ ओ मैसी, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैसी अच्छा प्लेयर है। वेट अ मिनट, कौन आए? अच्छा ये मेरा कौन भूत आ गया हमारी टीम में बगैर पूछे। गुड गुड गुड, एम्बापे, और एम्बापे का फर्स्ट हैट्रिक हो गया, हैट्रिक है, हैट्रिक डन। अब कोई भी प्लेयर आ जाए उससे मैं गोल करवा सकता हूँ, हैट्रिक बना दिया ना, बस हो गया मेरा तो। देखते हैं कि इस मैच में 10 गोल्स कर ले, और ये एक गोल, यस। ओके, दूसरा हाफ शुरू हो गया, और एक पास एम्बापे को पास दो, मुझे उससे डबल हैट्रिक करवानी है। ओके, और ये गोल, ओह माय गॉड, 7-1, ये सबसे पहला अच्छा स्कोर था, मतलब इससे भी मैंने अच्छे अच्छे स्कोर्स तो बनाए ही हैं, फिर भी एक प्लेयर से इतने सारे गोल्स करवाना नामुमकिन भी हो सकता है। ओ बेंजेमा, ये क्या चल रहा है, मेरा सर खराब हो गया, एक साइड एम्बापे गोल नहीं कर रहा, दूसरा प्लेयर गोल नहीं कर रहा, आखिर में उसने गोल मार दिया, और मैं नहीं जानता ये बूथ है कौन। अभी रिसर्च, मतलब अभी मैंने देखा तब मेरा ही टीममेट है, मतलब फ्रांस के लिए खेलता है, जो मुझे पता ही नहीं है। बस दो गोल्स और उसके बाद हमारे 10 वाला टारगेट हो जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। तो अभी मैं एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद मैं आ ही जाऊँगा। मैं अपने ब्रेक से आ ही गया आखिरकार, उस वक्त मैं पानी पीने गया था। फिर से उसी टारगेट से जीते हैं यार, ये क्या चल रहा है, काश मैं ब्रेक के लिए ना जाता, वरना तो गोल हो जाता। और हाँ, जो न्यूज़ वाली वो जो आवाज़ है, अगर आपको आई होंगी तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं अभी मेरा बड़ा भाई है वो न्यूज़ देखता है सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए उसे इग्नोर करना। ओके, ये रहा हमारा ट्रॉफी, ये है हमारा ट्रॉफी। फिर से ग्लिच, तो आप ये देख रहे हैं वर्ल्ड कप ट्रॉफी। ओके, तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि मैं कैसे मैं इस टूर्नामेंट में जीता हूँ, और मैंने बड़े मज़े से एक वर्ल्ड कप फाइनल खेला और ख़त्म कर लिया। तो मिलते हैं आपसे एक और अगले ब्लॉग में, उसके लिए तब तक बाय बाय, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत।